अभी हम आपको अपना कवर्ड गोडाउन है जी, जी. वो हम दिखाते हैं उसमें कि हम किस तरीके से स्टैकिंग करते हैं. अगर हम पहली दफा अगर कोई कार्गो रख रहे हैं तो हमें कितना पैसा देना होता है? सर ये बॉन्डेड गुड्स ही है हमारा. बॉन्डेड गुड्स है जी, जिसमें अलग अलग पार्टी का गुड्स रखा हुआ है. 90% लोगों को कि ठीक बगल में है आईसीडी तुगलकाबाद, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे सेंट्रल वेयर हाउसिंग का इतना अच्छा वेयर हाउस है कि यहाँ पे गुड्स को अच्छे से रखा जाता है. लोग प्राइवेट में चले जाते हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. जी सर बिल्कुल, यहाँ पे सिक्योरिटी है, 24 आवर्स गार्ड्स हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, तो बिल्कुल सिक्योर्ड अब जगह पे हैं. दोस्तों नमस्कार, इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट में आपका स्वागत है. आज हम आए हुए हैं सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ओखला फेस वन में, मैं कहूँगा दिखाने के लिए यहाँ पे कैमरामैन को. तो ये जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन है ये बॉन्डेड वेयर हाउसिंग के लिए और नॉर्मल वेयर हाउसिंग के लिए आप यूज़ करते हैं. दोस्तों जैसा कि मान लीजिए कि आपका माल कोई भी जब कस्टम में आता है और कस्टम से क्लियरेंस करने के बाद में भी रख सकते हैं, या बिना क्लियर किए हुए अगर मान लीजिए कि कस्टम में किसी भी कारणवश वो रुकता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई चीज़ इम्पोर्ट करते हैं तो कंटेनर का डैमरेज और डिटेंशन लगता है, जिस शिपिंग लाइन का कंटेनर है उसके बहुत ज़्यादा चार्जेस लगते हैं, और प्लस जिस आईसीडी में माल रखा रहता है वहाँ का भी बहुत हाई चार्जेज हो जाता है. तो इसके लिए अगर जैसे कि कोई कंटेनर कस्टम क्लियरेंस होने में डिले हो रहा है तो सेक्शन 49 में परमिशन लेकर के आप वेयर हाउस में रख सकते हैं प्रोडक्ट. और ये जो वेयर हाउस है, जैसे ये सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन सरकारी है, ठीक इसी तरह से प्राइवेट भी होते हैं वेयर हाउसेस बहुत, लेकिन मैं प्रेफर करूँगा कि प्राइवेट में रखने से अच्छा है आप इस तरह के सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में रखने का काम करें, ताकि आपको यहाँ पे सिक्योरिटी अब पहले से कहीं ज़्यादा, आप यहाँ पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, कार्गो रखने का जो प्रक्रिया है कहीं पहले से बेहतर किया गया है. और ये जो वेयर हाउस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और यहाँ पे जो अभी मैनेजर है टीना जैन जी, अभी हम उनसे बात करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि ये वेयर हाउस मतलब कितना अच्छा है और लोगों के लिए कितने फ़ायदेमंद है. तो अमित मैं चाहूँगा कि मेरे साथ चलो और हम अभी वेयर हाउसिंग के मुद्दे पे बात करेंगे टीना जैन जी से, और जानेंगे कि हमें इसमें कितना एरिया है और किस किस टाइप का प्रोडक्ट हम रख सकते हैं. इसमें मेनली दो तीन टाइप के प्रोडक्ट रख सकते हैं, आप साइड में भी रख सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, और बॉन्डेड कार्गो भी यहाँ पे रख सकते हैं. तो आइए हम चलते हैं टीना जैन जी से बात करेंगे. तो मैम नमस्कार, और मैं धीरज पांडे आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में. मैं मैम जानना चाहता हूं कि ये जो वेयर हाउसिंग का पूरा प्रक्रिया है और इसमें कौन से लोग माल रख सकते हैं, और ये किस तरह के प्रोडक्ट आप लोग रखते हैं और क्या चार्जेज है, और थोड़ा इस पे प्रकाश डालिए. तो दोस्तों ये टीना जैन जी हैं, अभी हम जानेंगे, यहाँ के मैनेजर है ओखला फेस वन के, जहाँ की अभी आईसीडी तुगलकाबाद बहुत ही पास में है इसके. तो दोस्तों अभी इन सारी मुद्दों पर हम बात करेंगे और आपको हम वेयर हाउस भी दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्रोडक्ट रखा जाता है और किस तरह से आप देख सकते हैं. जी मैम. सर सबसे पहले तो मैं आपको सीडब्ल्यूसी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूं. एक्चुअली सीडब्ल्यूसी केंद्रीय भंडारण निगम, जो कि 1957 में एस्टेब्लिश हुआ था, और इसके अभी ऑल ओवर इंडिया जो हैं 424 वेयर हाउसेस हैं, और जिसमें दिल्ली में हमारे 16 वेयर हाउसेस हैं, 2 आईसीडीज हैं. तो सर इसमें हमारा यहाँ पे जो है कस्टम बॉन्डेड वेयर हाउस है. तो ये जो है हमारा सबसे मेन, सबसे पहले सी डब्ल्यू सी की मिनी रत्ना कैटेगरी वन में आता है ये हमारा. तो और ये जो है कि खाद्यान्न मंत्रालय फूड मिनिस्ट्री के अंतर्गत हम हैं इसमें, और ये है कि कस्टम बॉन्डेड मेन हमारा गुड्स यहाँ पे स्टोर किया जाता है, जो कि बिल्कुल मतलब नियर बाय 1 से 2 किलोमीटर की रेंज में है जो हमारा टीकेडी है यहाँ से तुगलकाबाद. तो इम्पोर्टर के लिए मतलब अपना गुड्स अगर वो स्टोर करते हैं यहाँ पे तो मतलब काफ़ी अच्छे, क्योंकि एक तो यहाँ पे जो आप देखेंगे अभी मैं आपको बाहर दिखाऊंगी,
तो ट्रांसपोर्ट वगैरह जो मूवमेंट वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से तो मैं किस तरह की इसमें वेयरहाउस में आप लोग गुड्स प्रोक्योर करते हैं, जैसे कि सिर्फ बॉन्डेड होता है, किस किस तरह के गुड्स? सर ये हमारे यहाँ पे मेन ये कि सभी तरीके का, मतलब कस्टम बॉन्ड तो है ही सही, इसके अलावा जनरल गुड्स, जैसे अगर आप कोई गुड्स लेके आते हैं अपना कि आपका खुद का है, वो अब आपने परचेज करके अपने पास रख लिया, जब तक आपको सेलर नहीं मिलता है तो आपको वेयरहाउस स्पेस चाहिए उसको वेयरहाउसिंग करने के लिए, तो ये है कि आप उसको हमारे यहाँ पे स्टोर कर सकते, जैसे आपको सेलर मिले कितनी क्वांटिटी, मतलब, दो तीन जी अपना रख सकते हैं जी सर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं 50 से ऊपर कंटेनर यहां रख चुका हूं और अन्य CWC से मैं जुड़ा हूं पिछले 2007 से, और मुझे जहां तक लगता है कि CWC का जो सर्विस है अब बहुत अच्छा हो चुका है, और मैं जैसे वेयरहाउसिंग भी अभी दिखाना चाहूंगा। तो मैम जिस तरह से है, मेन कंसर्न जो होता है कि वेयर हाउसिंग को लेकर के कि उनके माल, जो माल रख रहे हैं वो कितना सुरक्षित है, तो मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालें कि कितना, अगर कोई सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में प्रोडक्ट रखता है क्योंकि ये सरकारी है, तो कितना सुरक्षित है यहाँ पे और किस तरह से इसका देखभाल होता है और किस तरह से होता है, थोड़ा आप इस पर प्रकाश डालिए। मैं ये बोलना चाहूँगी सर कि 100% उनका यहाँ पे गुड्स सुरक्षित है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये है कि अगर आपने कहीं पे अपना गुड्स रखा तो वो वहीं पे ही रहेगा जब तक कि आप खुद उसको लेने कस्टम की परमिशन से नहीं आते। इवन हम खुद भी उसको विदाउट कस्टम परमिशन, और आप जब तक हमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करेंगे वो गुड्स रिलीज ही नहीं होगा। तो मतलब सिक्योरिटी 100% है, क्योंकि गवर्नमेंट और गए तो उसमें चांसेस ही नहीं है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे CCTV सर्वेलांस है ऑल टाइम, इवन यू कैन चेक ऑल्सो थ्रू गूगल, आप यहाँ पे डालेंगे ओकलावन तो आपको वहाँ पे सारा देख सकते हैं, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड से जो कुछ 24 आवर्स जो है सिक्योरिटी है, मतलब यहाँ पे। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे तो क्लीनलीनेस वगैरह सब कुछ आपको एक एक चीज़ दिखाई देगी, आप खुद मतलब विजिट करेंगे यहाँ पे तो। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा वेयर हाउसिंग का प्रोसीजर दिखाएंगी कि किस तरह से यहाँ पे माल सिक्योर है। और दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे पिछले कई सालों से प्रोडक्ट रख रहा हूँ, और जब से मैम आई है मुझे काफ़ी हेल्प मिला है, और तब से मैं और भी ज़्यादा लगभग 50 से ऊपर कंटेनर रख चुका हूँ। मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ कि वो यही प्रोडक्ट रखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अन्य जगहों से CWC कहीं के भी वेयर हाउस में आप जाइए, CWC का सर्विस अब अच्छा है, तो मैं चाहूँगा कि अब माल वहाँ रखें। देखिए मेरा जो पर्पस है कि जो भी इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर हैं उनके, उनको जो है उनको वेयर हाउसिंग में सुविधा प्राप्त हो, कोई दिक्कत ना हो, बस मैं ये चाहता हूँ। और मैं मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी चल के थोड़ा दिखाएं कि यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी हैं, और उसके बाद भी हम इनसे बात करेंगे इनके चार्जेस के ऊपर, और उसके बाद आगे हम और भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। तो मैम कि जो हमारी CWC है उसमें मतलब एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, तो मतलब चार्जेस वगैरह जो हैं वो तो बहुत ही, अगर आप अदर प्रीमियम सर्विसेज में जाएंगे तो उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम है। इसके अलावा रिलायबल सर्विसेज, जैसा कि क्योंकि सिक्योरिटी है, रिलायबल है, तो वो सब है। इसके अलावा CWC जो है वो वैल्यू एडिड सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि आपको कोल्ड स्टोरेज है इन सब की। अच्छा, इसके अलावा हम PCS सेल है जो है वो भी, उसकी तरह भी हम वर्क करते हैं, मतलब कि किसी को अगर PCS फैसिलिटी चाहिए, पेस्ट कंट्रोल वगैरह है, तो उसके लिए भी हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, तो अगर वो भी अगर किसी को चाहिए तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलते हैं थोड़ा वेयर हाउस की तरफ और हम लोग देखेंगे दोस्तों, ताकि आप देख सके कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना सेफ एंड सिक्योर हैंड में है, और सेंट्रल वेयर हाउसिंग का जो अभी काम करने का तरीका है वो काफ़ी चेंज हो चुका है और अब काफ़ी डेवलप हो चुके हैं। और सारे वेयर हाउस को दोस्तों हम देखते हैं और कहाँ पर प्रोडक्ट हम रखेंगे, और जैसे कौन से प्रोडक्ट कहाँ रखा जाता है, उसके चार्जेस क्या हैं, सब कुछ हम मैडम से अभी समझेंगे दोस्तों। तो अभी हम चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ, वेयर हाउस की तरफ, और हम देखेंगे। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं वेयर हाउस की तरफ और मैम चल रही हैं हमारे साथ, हम देखेंगे कि जो चार्जेस है कि कैसे वेरी करता है। अगर हम सेक्शन 49 में अगर हम रखते हैं गुड्स तो उसका क्या चार्जेज होता है, नॉर्मल जब हमारा कस्टम से क्लियर हो जाता है प्रोडक्ट तो उसके बाद जो चार्जेज होते हैं उसके बहुत नॉर्मल से चार्जेज होते हैं। अगर हमें किसी प्रोडक्ट को, ऐसे प्रोडक्ट है जैसे मैं चाहूँगा कि अमित सामने दिखाओ, ये भी जो प्रोडक्ट है वेयर हाउस में ही रखा गया है, बट ये बाहर रखा गया
गया है, तो इसका चार्जेस जो भी है बहुत ही कम लगते हैं इसके चार्जेस। और यदि कोई सेक्शन 49 में रखा जाएगा, वो बॉन्डेड में रखा जाएगा, तो उसका डिफरेंट चार्जेस होता है। जी मैम, चलिए तो हम ज़रा देखना चाहेंगे वेयर हाउस के तरफ। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये बाहर रखे हुए हैं, तो इसके चार्जेस डिफरेंट होते हैं। जो मैम मैं चाहूँगा आपसे कि ये सारे जो प्रोडक्ट हैं जो बाहर रखे गए हैं, जो कि मैं चाहूँगा कि ये जो ये सेट में नहीं है, ये बाहर की तरफ रखे हुए, तो इसके चार्जेस में और जो अंदर के चार्जेस उसमें डिफरेंस होता है? जी सर, एक्चुअली जो अंदर का चार्जेस है, हाँ हाँ, उसके कंपैरिजन में ओपन में 60% है। 60%। तो दोस्तों जो भी जो ये जो चार्जेस है, आप देखिए कितना वेरी कर रहा है। अगर वो अंदर रखा जाएगा और तो उसके चार्जेस 100% लगेंगे, जो भी है अभी हम चार्जेस भी आपको बताएंगे। और जो बाहर रखा जाएगा उसमें 40% का डिस्काउंट मिल जाता है। जी मैम, तो और मैं चाहूँगा ज़रा बताने के लिए, जी ओपन शेड में आपको रखना है कोई ऐसा गोडेज जैसे बड़ी मशीनरी वगैरह है, तो वो चूंकि अंदर नहीं जा सकती, बट उसके लिए हमारे पास ओपन में भी स्पेस है, तो वो उसको हम कवर करके शेड वगैरह के नीचे रख लेते हैं और उसको कवर कर देते हैं। तो ये है शेड वाले का चार्जेस कितना? वो उसका शेड वाले का तो उसका सेम ही है, क्योंकि वो एक्चुअली कवर्ड माना जाता है, बट उसमें बेनिफिट ये है क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकता, तो कवर्ड तो, पर आपको स्पेस तो आपको चाहिए उस हिसाब से। तो ये है कि उसको हम ओपन में रख सकते हैं, मतलब ओपन फैसिलिटी है हमारे पास। और यहाँ पे लेबर वगैरह का मैम, जैसे अगर कंटेनर हम आपको दिखाएंगे अभी, तो लेबर का आप लोग का अरेंजमेंट होता है? लेबर जी सर, लेबर आपको यहाँ पे मिल जाती है। जी, लेबर और मशीन जी मिल जाते हैं दोस्तों। तो ये जो हम आपको अभी दिखा रहे हैं दोस्तों, ये पूरा इस तरह के बहुत सारे वेयर हाउस हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैम ने बताया, मैम टोटल यूनिट कितने हैं CWC के? अभी आपने कुछ ऑल इंडिया में जो है 424 यूनिट्स हैं दोस्तों। 424 है, जहाँ भी जिस भी ICD की बात करें, उस ICD के बगल में सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का आपको वेयर हाउस मिल ही जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि प्राइवेट से अच्छा है कि आप सेंट्रल वेयर हाउसिंग में रखें। और यहाँ पर हर जगह, जैसा कि आपको बताया मैम ने, CCTV लगे हुए हैं, लेबर की पूरी व्यवस्थाएं हैं। उसके बाद में अब ये मैं चाहूँगा कि दिखाएं, देखो नीचे फर्श है वो कितना अच्छा बनाया गया है, और मैं चाहूँगा कि दिखाएं, देखिए इस तरह के कंटेनर्स आते हैं और वो हमेशा अभी भी ये जो यहाँ पे खाली हो रहे हैं, लोड हो रहे हैं, तो इस तरह के माल आते और जाते रहते हैं। तो मैम अभी हम किस वेयर हाउस में चल रहे हैं देखने के लिए? अभी हम आपको अपना कवर्ड को डाउन है वो हम दिखाते हैं उसमें कि हम किस स्टैकिंग करते हैं। तो मैम एक अगर हम चार्जेस की बात करें तो चार्जेस कितना क्या क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मेरा एक कंटेनर है, ठीक है, एक 40 फीट का कंटेनर है या एक 20 फीट का कंटेनर है, ठीक है, उसको हम अगर ओपन एरिया में रखते हैं तो वो कितना चार्ज लगता है उसको? देखिए सर, हम जो कवर्ड का जो हमारा स्पेस है वो हमारा 294 पर स्क्वायर मीटर पर वीक है, बॉन्ड के लिए बॉन्डेड के लिए। हम अगर 294 पर स्क्वायर मीटर पर वीक, जी, तो हम लोग 28 डेज का मंथ काउंट करते हैं, 4 वीक इन अ मंथ, 28 हम वीक के अकॉर्डिंग चार्जेस देते हैं। अच्छा, तो 4 वीक्स का उनको फर्स्ट टाइम में जब स्पेस बुक करते हैं तो 4 वीक्स का हम चार्जेस देते हैं जी। अगर हम पहली दफा अगर कोई कार्गो रख रहे हैं तो हमें कितना पैसा देना होता है, 4 वीक का या 4 वीक्स का? सर फर्स्ट टाइम में स्पेस बुकिंग के टाइम पे, स्पेस बुकिंग के टाइम में हम 4 वीक का दोस्तों चार्ज देते हैं। उसके बाद में हमें स्पेस सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमें कस्टम में जमा करा करके सेक्शन 49 में हम परमिशन लेकर के उसको हम माल को, जो भी माल हमारा डिले हो रहा है उस माल को हम यहाँ लाके रख के अपना डैमरेज और डिटेंशन बचा सकते हैं दोस्तों। क्योंकि आज के टाइम पे जो डैमरेज और डिटेंशन है वो बहुत ही हाई लेवल पे चल रहा है, और कोविड के बाद से सिचुएशन काफ़ी बदल गया है। कोविड के बाद से क्या हुआ है कि जो शिपिंग लाइन है वो एक दिन का भी वेव ऑफ करने का नहीं सोचते और वो बहुत ज़्यादा हाई चार्जेस लगा देते। तो दोस्तों अभी हम चल रहे हैं वेयर हाउस के अंदर और हम आपको दिखाएंगे कि माल को कितने व्यवस्थित तरीके से रखा जाता है यहाँ पे। तो आइए अब हम देखते हैं, ये मैम ये क्या है ज़रा मुझे आप समझाइए। सर ये बॉन्डेड गुड्स ही है हमारा, बॉन्डेड गुड्स है जी, जिसमें अलग अलग पार्टी का गुड्स रखा हुआ है। जी जी जी, तो उसके लिए यही है कि हम स्टैकिंग करके बकायदा ताकि काउंटिंग उन सब में इजी रहे। तो हम, तो मैं चाहूंगा अमित जरा ये दिखाइए पूरा जो वेयर हाउस का स्ट्रक्चर है, कितने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे गुड्स को रखा गया है, और किस तरीके से आपका भी जब आपका प्रोडक्ट आएगा दोस्तों, जितने भी हमारे इम्पोर्टर एक्सपोर्टर इस वीडियो को देख रहे हैं, जब या आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो देखिए कि आपके प्रोडक्ट कितने सुव्यवस्थित तरीके से वेयर हाउस के अंदर रखा जाता है। इसमें कोई डरने की बात नहीं है
कि आपका प्रोडक्ट खराब हो जाएगा या मतलब कोई गड़बड़ होगा उसके अंदर। देखिए कितना अच्छा स्टैकिंग किया गया है। मैं चाहूँगा अमित कि ऊपर जो ये रखे हुए हैं इस तरह से तुम ऊपर का स्टैकिंग भी दिखाओ ताकि लोगों को समझ आए कि माल जो उनका है वो एक सुरक्षित वेयर हाउस में रखा गया है और वो व्यवस्थित तरीके से है ताकि उनको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि उनका माल खराब होगा। तो मैं चाहूँगा कि आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक अगर 40 फीट कंटेनर जनरली अगर हम इस वेयर हाउस में लेके आते हैं तो एक महीने का आप जो चार्ज लेती हैं, मान लीजिए कि एक 40 फीट है, 40 फीट का स्पेस होता है उसमें, एक 40 फीट कंटेनर के लिए कितना चार्जेस आप लोग और कितना स्पेस रिजर्व करती हैं? सर देखिए जनरली तो वैसे डिपेंड करता है कि उसकी CBM साइज क्या है जी, बट फिर भी हम 40 फीट कंटेनर के लिए 30 स्क्वायर मीटर बुक करते हैं। हालांकि जब एरिया आफ्टर अनलोडिंग इंक्रीज होता है तो हम उसको मेजर कर लेते हैं, मतलब जो भी एरिया होता है अनलोडिंग के बाद में उसको हम मेजर करके जो भी डिफरेंस होता है वो उनसे एक्स्ट्रा चार्जेस। अगर कम है तो नहीं, कम है तो नहीं सर, बट अगर वैसे ये स्टैंडर्ड है कि मिनिमम हम इतना करते हैं कि 40 फीट कंटेनर के लिए 30 तो लग ही जाएगा, बाकी ये है कि ठीक है अगर इससे ज्यादा होता है तो फिर हम पार्टी से एरिया के अकॉर्डिंग जो भी होता है एक्स्ट्रा वो अमाउंट पे करते हैं। जनरली अगर देखा जाए, अगर आप किसी प्राइवेट में भी अगर जाएंगे या कहीं भी अगर जा रहे हैं, अगर 40 फीट का कंटेनर है तो 40 स्क्वायर मीटर आपसे पहले ही 40 स्क्वायर मीटर का पैसा लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैम ने हमें बहुत अच्छा नॉलेज दिया है कि ये मिनिमम 30 स्क्वायर मीटर और 35 स्क्वायर मीटर का स्पेस रिजर्व करके आपसे पेमेंट लेंगी। इसमें भी डिपेंड करता है कि कमोडिटी क्या है, क्या साइज की, तो थोड़ा सा वेरी भी कर सकता है एरिया इसके अकॉर्डिंग, तो हम उसको उस अकॉर्डिंग स्पेस दे देते हैं। और बाद में एक्चुअली ये तो एरिया बेसिस पे होता है, तो जितना भी एरिया रहता है अगर बढ़ जाता है तो फिर वो हम उनको बड़े हुए एरिया का पैसा ले लेते हैं उनसे। और मैम अभी कुछ आप बता रही थी कि कोई कल आया था आपके पास जिनको पता ही नहीं था जी। सर एक्चुअली ये बहुत बार होता है कि ना लोग मेरे से आगे बोलते, अच्छा मैम यहाँ पे भी वेयर हाउस है, मुझे नहीं पता था कि CWC का वेयर हाउस है, और वो भी मतलब कि ठीक है प्राइवेट वेयर हाउसेस तो हमें पता है बट ये नहीं पता था कि CWC का, क्योंकि जैसे नियर बाय में हमारे यहाँ टीके पास में ही है, तो अगर मैं तो ये बोलूँगी कि अदर जो प्रीमियर सर्विसेज है अदर से, तो मतलब स्मॉल या उनसे तो मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूँगी, बट मैं प्रीमियर सर्विसेज से अगर कंपैरिजन करना चाहूँगी तो हमारे चार्जेस उनके कंपैरिजन में बहुत कम है। तो मैं सबसे यही बोलूँगी कि एक बार आइए हमारे सेंटर पर विजिट कीजिए, आपको यहाँ पे सच में बहुत हमारी जगह पसंद आएगी, आपको वेयर हाउस के लिए आपको लगेगा कि हाँ हमें हमारे यहाँ गुड्स स्टोर करनी चाहिए। अब देखिए जैसा कि है 90% लोगों को कि ठीक बगल में है ICD तुगलकाबाद, लेकिन 90% लोगों को नहीं पता कि यहाँ पे सेंट्रल वेयर हाउसिंग का इतना अच्छा वेयर हाउस है कि यहाँ पे गुड्स को अच्छे से रखा जाता है। लोग प्राइवेट में चले जाते हैं और उनको काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि देखिए मैं 2007 से CWC से जुड़ा हूँ और मैं तो ज़्यादातर माल CWC में ही रखना प्रेफर करता हूँ। और मैं आपको एक चीज़ और दोस्तों बताना चाहूँगा कि जिस भी ICD में आपका गुड्स क्लियर हो रहा है, इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का, उसके हर आसपास में देखिए टोटल ICD कितने हैं, 250 ICD है CFS मिला करके, लेकिन CWC का वेयर हाउस मैडम ने कितना बताया, 424 CWC का वेयर हाउस है दोस्तों। तो आप कहीं भी ढूंढेंगे तो आपको CWC का वेयर हाउस मिल जाएगा। और जैसा कि मैम ने बताया अभी CCTV हर जगह लग चुके हैं, रोड अच्छा बन चुका है, हम GST इनवॉइस प्रोवाइड करते हैं और वो हमारी डायरेक्ट मतलब WMS के थ्रू आजकल हर चीज जो होती जा रही है अपडेट, मतलब ऑनलाइन आजकल हर चीज ऑनलाइन जी जी, तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको GST इनवॉइस हम दे रहे हैं और वो भी ऑनलाइन जनरेटेड, ऐसा नहीं है मैनुअल, कोई कुछ नहीं है। दोस्तों मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं चाहता हूं कि इम्पोर्टर हैं उनके साथ कोई गड़बड़ ना हो, कोई धोखाधड़ी ना हो, जिसके कारण मैंने मैम से रिक्वेस्ट किया कि मैम आप प्लीज़ इसके बारे में बोलिए ताकि लोग जाने समझे और वेयर हाउस में आए। वो प्राइवेट में चले जाते हैं, उनको लॉस होता है, उनका गुड्स चोरी होने का डर रहता है, लेकिन वो चीज़ अब यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर चोरी होने का डर नहीं है। दूसरा क्या है कि प्राइवेट वेयर हाउस में आपको इंश्योरेंस के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, बट यहाँ पर जिस दिन कार्गो आपका आ गया उस दिन से लेके जब तक आपके गाड़ी में लोड होकर के इस गेट को क्रॉस नहीं कर लेता है CWC वेयर हाउस का, तब तक आपका गुड्स इंश्योर है और वो पूरा जिम्मेवारी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन का। क्या मैम ऐसा ही है? जी सर बिल्कुल, यहाँ पे सिक्योरिटी है, 24 आवर्स गार्ड्स हैं, CCTV कैमराज हैं, तो बिल्कुल सिक्योर्ड अब जगह पे हैं जी।
अब जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, पहले मैं कभी वेयर हाउस जब यूज़ करता था, जो प्राइवेट वेयर हाउस, तो मुझे हमेशा रात को टेंशन होती थी यार माल कहीं चोरी ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। लेकिन जब से मैंने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन यूज़ करना शुरू किया है दोस्तों, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि मैं इन सब टेंशनों से मुक्त हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन के भाई हैं उनको तो कम से कम ये सर्विसेज ज़रूर अवेल करना चाहिए। कल मेरे मित्र हैं एक, जिनको पता ही नहीं था कि इतने बगल में वेयर हाउस है, तो मैंने फिर उनका करके उनका दो कंटेनर आज मैंने यहाँ शिफ्ट करवाया है। तो इस तरह से बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है, तो हम चाहते हैं कि वो लोग अपने ICD के बगल में जो भी है वो सेंट्रल वेयर हाउस का ही गोडाउन यूज़ करें। तो ज़्यादा, जैसा कि मैम ने बताया कि कॉस्ट फैंसी भी है, मतलब सस्ता भी है वेयर हाउस जी, और GST इनवॉइस हम प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे पूरी क्वालिटी क्वांटिटी ये सब कुछ का ध्यान, पॉल्यूशन हर चीज़ का, गाड़ी एंटर होती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ चेक किया जाता है उसके अंदर, मतलब हर चीज़, क्योंकि हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड हम फॉलो करते हैं। अब दोस्तों हम लोग फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं और हम आपको बताएंगे कि एक 20 फीट का बॉन्डेड का क्या चार्ज यहाँ पे लिया जाएगा, और एक 40 फीट का बॉन्डेड का क्या लिया जाएगा, कवर्ड का क्या लिया जाएगा, और आउटसाइड का क्या लिया जाएगा। दोस्तों तीन तरह के वेयर हाउसिंग है इसमें मैम, तीन या चार? जी सर, मेनली तो तीन तरीके के हैं। एक तो बॉन्डेड हो गया जो मतलब बॉन्ड में ही रखा जाएगा, बॉन्ड वाले एरिया में जो कस्टम को नोटिफाई कर रखा है, ठीक है सर। दूसरा, इसके अलावा एक जनरल, जैसे कि आपका खुद का है, कस्टम से रिलीज हो चुका है, ड्यूटी वगैरह पे हो जाए, या मैं कहीं नॉर्मल मैन्युफैक्चर करके, हाँ जी हाँ, या एक्सपोर्ट करवाना है आपको, मैन्युफैक्चर करके आपने कहीं स्टोर करना है उसके लिए हो गया। इसके अलावा ओपन का तो हम 60% चार्जेस, वो मैंने आपको बता दिया। एक है हमारा डेडिकेटेड बेसिस पे, तो डेडिकेटेड बेसिस पे मतलब कि आपको इन्वेंटरी, डेडिकेटेड बेसिस जो आप बता रही हैं ये किस तरह से होता है और कैसे आप इसका चार्ज लेती हैं और उसमें कितना आपका इन्वॉल्वमेंट होता है? सर इसमें ये है कि जैसे हम अगर कहीं पे रेंट पे रहने लग जाते हैं, कहीं पे फ्लैट लेते हैं कुछ लेते हैं, तो हमें क्या करना होता है, वहाँ से एग्रीमेंट हमने बनवा लिया, उसके बाद में उन्होंने हमको कीज हैंड ओवर कर दी। जितने टाइम का वो एग्रीमेंट है उतने अकॉर्डिंग हम उनको मंथली रेंट पे करते रहते हैं। कभी भी गुड्स रखे, कभी भी, जी जी। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी डेडिकेटेड में 24 आवर्स ऑपरेशन वो अपने अकॉर्डिंग करते हैं, मंथली वो हमें रेंट पे करते हैं, उनका एग्रीमेंट बनता है, वो अपने अकॉर्डिंग इन्वेंट्रीज मैनेज करते हैं। और उसका चार्जेस तो क्योंकि ये ईयरली आप लोग वो फिक्स कर लिए एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, रिवाइज रहते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी यहाँ कंटेनर रखता हूँ, तो यदि जैसे मान लीजिए एक 40 फीट कंटेनर लेके आया मैं, और वो जितने, अगर मेरा जो 40 फीट का कंटेनर, अगर वो 40 स्क्वायर मीटर स्पेस लिया, तो 40 स्क्वायर मीटर का हम 40% डिस्काउंट के साथ पे कर देते हैं। जैसे मेरा एक कंटेनर आता है मान लीजिए सपोज, तो मैं उस पर 9,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक पे करता हूँ, वो जितना स्पेस लेता है। अगर सेक्शन 49 की बात करें, तो जब अभी अपने जो कंटेनर रखा है दोस्तों, इसमें हमने मैम बॉन्ड की, तो बॉन्ड में मैंने एक कंटेनर पे 35 स्क्वायर मीटर माना है, तो उसका जो चार्जेज अप्रॉक्स आ रहा है, जैसे 294 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से यदि हम ये पूरा मंथ का निकालते हैं, तो 50,000 से 55,000 रुपये मैम यही आता है, 40 स्क्वायर मीटर का इंक्लूडिंग GST। अगर हम उसमें भी अगर हमारा स्पेस कम लेता है, तो हमारा अगर 35 या 30 अगर हम जोड़ते हैं, तो दोस्तों 45,000 से 50,000 रुपये में हमारा वो हो जाता है। यदि और आपको अगर चार्जेस लेने हैं, तो किसी भी सेंट्रल वेयर हाउसिंग के में आप सेंट्रल वेयर हाउसिंग के वेबसाइट पे जाके, जो नीचे दिख रहा है आपको, वहाँ जाके कॉल कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरा, मैं मैम का यहाँ पे ये टेलीफोन नंबर दे रहा हूँ, अगर यदि आपको यहाँ पे CWC वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ओखला फेस 1 में रखना है माल, तो इस नंबर पे आप कॉल करके इनसे कोटेशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप अपना प्रोडक्ट यहाँ रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू से और अभी तक आप लोग जैसा जानते हैं कि मैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड मुद्दों को उठाता हूँ, तो ये जो वेयर हाउसिंग का मुद्दा है बहुत बड़ा मुद्दा है। लोग को टाइम पे स्पेस ना मिलने के कारण, आप बिलीव कीजिए, इस कोविड में लोगों को टाइम पे स्पेस नहीं मिलने के कारण एक एक कंटेनर पे 16 लाख रुपए का डैमेज और डिटेंशन हुआ है। तो दोस्तों यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं और आपका कार्गो आ रहा है बाहर से, और वो एक दिन भी डिले अगर हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा शिपिंग लाइन $300 पर डे का चार्ज करता है अपने कंटेनर का, और ICD वाले जो है चार्ज करते हैं 7,000 से 8,000 रुपये पर डे का। तो उससे अच्छा मैं चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि वो डिले होने वाला है, तो वो गुड्स भी आप सेंट्रल वेयर हाउसिंग और कॉरपोरेशन में ले जाकर रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल देखते रहिए, और आगे भी जो भी इस मैटर पे होगा हम प्रकाश डालते रहेंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।